चल रहा है। और दोस्तों मैं बता दूं सूरज से मैं क्यों दूर हुई, किस वजह से आई हूँ और क्या वजह है क्या नहीं। दोस्तों मैं सूरज जी के साथ अब तो वीडियो नहीं बनाऊंगी, आप लोग को तो पता चल गया है सूरज जी अब ये क्यों अकेले ही बातें सुना रहेंगे। सुना कर कंफ्यूज कर दिए सूरज भाई आप? और अब वो चली गई, अब सूरज भाई। और बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि सूरज और प्रीति वायरल होने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, व्यूज पाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। प्रीति आपको मिलेगी क्योंकि आपने उसे शादी किया है। तो तो हेलो दोस्तों, आपकी कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल संतोष राज ब्लॉग्स में। दोस्तों मैं हूँ आपका भाई संतोष राज। तो आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि सूरज को प्रीति छोड़कर हमेशा के लिए अपने घर आ गई हैं। और वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए क्योंकि प्रीति और सूरज की पूरी सच्चाई मैं अब आज आप लोगों के सामने रखूँगा। क्योंकि मैं 2-3 वीडियो उनके ऊपर बनाया हूँ तो तमाम तरह के मेरे ऊपर कमेंट आ रहे हैं कि तुमको कैसे पता है, तुम ये हो फलान चलान, बहुत से कमेंट आ रहे हैं। तो सारा मैं आज क्लियर कर दूंगा कि किसकी गलती है और क्यों वे दोनों अलग हुए। तो दोस्तों जब सूरज और प्रीति 2 साल से वीडियो बना रहे थे साथ में, तो 2 साल से बनाते बनाते जब शादी का बात आया तो घर वाले, सूरज के घर वाले नहीं मान रहे थे। कह रहे थे कि सूरज के प्रीति के साथ तुम्हारे साथ नहीं करना है। और उनको प्यार हो गया था तो अपने मर्जी से शादी वो लोग कर लिए। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और इसमें प्रीति जी सूरज को छोड़ के हमेशा के लिए अपने घर चली गई। अब सीधी सी बात है कि प्रीति जी बोले हैं कि अब हमेशा के लिए सूरज को मैं छोड़ के अपने घर आ गई हूँ। और क्यों आई हूँ, इसमें कहीं ना कहीं सूरज भाई की भी बहुत बड़ी गलती है। मैं कह रहा हूँ जब सूरज भाई लड़की लेकर गए हो, वहाँ रह रहे हो, तुम्हारे घर वाले फ़ोन कर रहे हैं, निगेटिव बातें बोल रहे हैं, निगेटिव आवाज़ आप सुना रहे हो, तो आप तो वीडियो बना रहे हो इसे सुना सुना करके। और लड़की को, प्रीति को, चलो लड़की मानी है तो उसके सामने अपने घर वालों से बात कर करके और बेचारी को सबसे अधिक कंफ्यूज किया है सूरज भाई आप खुद, आपने ही किया है। ऐसे सिचुएशन में पहले नंबर तो जब घर से कोई छोड़ के, लड़की चाहे लड़का, घर छोड़ कर भागता है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दिमाग में रहता है, क्या करूँ मैं, क्या करी, मतलब मैंने सही किया, गलत किया, क्या होगा, ऐसा होता रहता है। उसमें बार बार आपने अपने घर वालों का आवाज़ सुनाया फ़ोन में, कभी आपके मम्मी गाली दे रहे हैं, कभी आपके पापा गाली दे रहे हैं, कभी आपकी दीदी, तो कभी कोई, कभी कोई, इसी से ज़्यादा करके उसको आपने का दिमाग ख़राब किया है। और आप लोग दोस्तों खुद सुनिए कि प्रीति जी साफ साफ क्या बोल रही हैं। चली आई कहीं, और मैं सुबह कहीं निकली थी, आप लोग को कोई अपडेट नहीं गया था। और दोस्तों मेरे साथ भोलू भी आया है, और भी फिलहाल भोलू ही कैमरा पकड़ा है दोस्तों। और दोस्तों मैं कहाँ आई हूँ, और दोस्तों ये मेरी भाभी की मम्मी, आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, मैं तो कुछ काम कर रही थी दोस्तों, तो उनको मैं रोक दी हूँ काम करने के लिए, क्योंकि रुक गए, मेरा ब्लॉग चल रहा है। और दोस्तों मैं बता दूँ सूरज से मैं क्यों दूर हुई, किस वजह से आई हूँ और क्या वजह है क्या नहीं। दोस्तों मैं सूरज जी के साथ अब तो वीडियो नहीं बनाऊंगी, आप लोग को तो पता चल गया है सूरज जी अब अकेले ही रहेंगे। दोस्तों मैं चारों तरफ से बहुत ज्यादा टॉर्चर हो गई जब से मैं शादी की थी दोस्तों। सच बताऊं ऐसे कोई दिन नहीं रहता था जिस दिन मैं रोती नहीं थी शाम को। आप लोग का कमेंट भी आता था कि आप लोग दिन दिन में आप बहुत अच्छी रहती हैं, रात शाम होते क्यों रोने लगती हैं। दोस्तों मैं जानती हूँ क्यों रोने लगती थी दोस्तों, मैं क्यों रोने लगती थी आप लोग को पता नहीं था ना दोस्तों। मुझे रोज जब शाम होता था तो शाम को फोन आता था, ऐसे क्यों की, ऐसे क्यों की, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे हो गया, ऐसे अब क्या करोगी, ऐसे मतलब बहुत दोस्तों बहुत ज्यादा टेंशन, मतलब आप लोग समझ सकते हैं बात बात में कैसे कैसे बातें हो जाती हैं दोस्तों, इसीलिए मुझे। तो दोस्तों यही बात है, जब कोई अलग से पहले से ही अगर ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन में है और उसको बार बार आप और भी टेंशन दोगे फ़ोन पे सुनवा सुना के, अगर आपको पूरा अपनी सारी दुनिया छोड़ के आई है आपके साथ रहने के लिए, तो आप उसको इस तरह से रखो, खुश रखो। तो निगेटिव बातें सुना सुना कर कन्फ्यूज कर दिए सूरज भाई आप। और अब वो चली गई, अब सूरज भाई का बहुत बुरा हाल है, रो रहे हो। तो भाई मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अपने दिल को पत्थर बनाओ और मजबूत करो। और शादी हो गया है तो आज नहीं तो कल आएगी ही तुम्हारे पास, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है, आएगी ज़रूर से ज़रूर। पर हिम्मत रखो अपने आप। और बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि सूरज और प्रीति वायरल होने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, व्यूज पाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। मानते हैं व्यूज पाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, थोड़ा
तो ये कौन सा व्यूज पाना है कि मैं उनको छोड़ के चली गई, वो मेरे को छोड़ के चले गए, ऐसा व्यूज पाने के लिए ऐसा थोड़ी ना होता है। रियल बात है कि प्रीति सूरज को छोड़ के चली गई है, तो सूरज भाई को मैं यही कहूँगा, सूरज भाई अपना हौसला मत हारना, हिम्मत रखना, और एक ना एक दिन प्रीति आपको मिलेगी, क्योंकि आपने उसे शादी किया है तो आपकी ही रहेगी।